पीएम मोदी अपने जिगरी दोस्त की करेंगे ऐसी मदद जिसे देख कांप उठा हमास, मच गया हड़कंप, खबर सुन हिल गए मुस्लिम देश। हमास का नामो निशान मिटाने के साथ साथ पीएम मोदी भी हमास को मिट्टी में मिलाने की कर रहे तैयारी, एक्शन देख हर कोई दंग। 1,00,000 भारतीय पहुंचेंगे इसराइल, हमास की उड़ी नींद, मोदी और नेतन्याहू के बीच हुई बड़ी डील, पूरी दुनिया में पसरा मातम। जी, एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा है। इस खबर को सुनकर पूरी दुनिया में मातम फैल गया है। पीएम मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री दोनों ने मिलकर हमास को मिट्टी में मिलाने का ऐसा खुफिया प्लान तैयार किया है जिसे सुनकर हमास गहरे सदमे में चला गया है। उसे सपने में अपनी मौत का डर सता रहा है। पीएम मोदी अपने जिगरी दोस्त की इतनी बड़ी मदद करने जा रहे हैं कि चीन, पाकिस्तान, ईरान के साथ साथ सारे दुश्मन देश को आने वाले समय में अपनी बर्बाद और मिट्टी में मिलने का डर सता रहा है, क्योंकि इस मदद के बदले इसराइल भी भारत को आने वाले समय में ऐसे ही कुछ बड़ी मदद करेगा। इस डील ने दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को हिलाकर रख दिया है। मोदी ने कैसे सिर्फ एक इशारे में अपने जिगरी दोस्त को ये मदद देने का वादा किया है, तो चलिए इस मदद की पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से 1,00,000 भारतीय मजदूरों की मांग की है। इजरायल, जो कि इस वक्त हमास और गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर मिट्टी में मिला रहा है, फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करने वाले मुस्लिम देश भी इजरायल से कांप रहे हैं। इजरायल का एक्शन देख कोई आसपास भी नहीं भटक रहा। बीते एक महीने की इस जंग में करीब 10,000 लोगों की मौत हुई है। गाजा पट्टी को इजरायल ने पूरा शमशान बना दिया है। अब आपको बताते हैं कि 1,00,000 भारतीय मजदूरों की इसराइल को क्यों जरूरत पड़ी है। दरअसल इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन ने इसराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार से 1,00,000 भारतीय श्रमिकों की भर्ती की मांग की है। जानकारी के लिए बता दें कि अंग्रेजी वेबसाइट द स्टेट्समैन में प्रकाशित एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन ने बेंजामिन नेतन्याहू सरकार से आग्रह किया है कि गाजा पट्टी में इजरायली सेना और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच अपने काम का परमिट खो चुके फिलिस्तीनियों की जगह सभी कंपनियों को करीब 1,00,000 भारतीय श्रमिकों को काम पर रखा जाएगा। इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन के हैम फिलिंगन ने कहा कि वे भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं जिसमें इजरायली सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इसकी एक और बड़ी वजह भी सामने आई है कि इजरायल और हमास की इस जंग में दोनों को काफी ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ कई चीजों पर बुरा असर पड़ा है। पहले हमास ने इस युद्ध की शुरुआत की थी, जिसके जवाब में अब इजरायल ने फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ की कंपनी में बैन कर दिया है, जिनमें सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन सेक्टर शामिल है। यहाँ करीब 90,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी काम करते थे, जिसकी भरपाई अब भारतीयों से की जा रही है। साथ ही खबर ये भी है कि कुछ भारतीय इस युद्ध में भी शामिल होकर इसराइल की बड़ी मदद कर सकते हैं और सेना के साथ अपनी सेवा दे सकते हैं। ऐसे में जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी इसराइली प्रधानमंत्री की मांग पर 1,00,000 भारतीयों को भेज सकते हैं। इन सभी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर के भी प्रधानमंत्री मोदी इसराइल से पहले NOC ले सकते हैं। इन सभी भारतीयों के परिवारों को पूर्ण रूप से इनकी सुरक्षा को लेकर और आर्थिक मदद से भी बड़ी मदद की जाएगी। वहीं युद्ध के बीच में 1,00,000 भारतीयों का जाना किसी जोखिम से कम नहीं है। कुल मिलाकर के 1,00,000 भारतीयों के जाने से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इतना बड़ा कलेजा दिखा पाना किसी भी प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने 56 इंची सीने के साथ इजरायली प्रधानमंत्री यानी अपने सबसे जिगरी दोस्त की बड़ी मदद करने का ऐलान किया है। और ये बात हम सभी भारतीयों के साथ पूरी दुनिया को भी पता है कि मोदी जो कहते हैं और मोदी जो वादा करते हैं उसे निभा कर रहते हैं। ऐसे में मोदी के इस ऐलान से दुनिया के मुस्लिम देश थरथर कांप उठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री के द्वारा मांगी गई इस मदद पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।